आर्मी ऑफ द डेथ, आपने सुना यार जैक स्नाइडर का नाम? भाई सुना जरूर होगा, वही जैक स्नाइडर जिन्होंने जस्टिस लीग को 2 घंटे से 4 घंटे की बना दिया और दुनिया के सर पे उसका धुआं उठा दिया। जी हाँ, हम उन्हीं की बात करने वाले। अब आप सोच रहे होगे भाई इन्होंने ये फिल्म बनाई तो क्या खास होगा, तो उसी की बात करेंगे। मैं रोहतराज हाजिर हूँ आपके लिए आर्मी ऑफ डेथ का रिव्यू लेके, तो चलिए शुरू कर लेते। तो आपको बता दें इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो जैक स्नाइडर ने किया है, लेकिन इस फिल्म को जो लिखा वो जैक स्नाइडर ने ही लिखा है, और इस फिल्म की जो सिनेमोग्राफी है वो भी जैक स्नाइडर का ही कमाल है, यानी कि VFX वगैरह उन्हीं की पूरी टीम यानी कि जैक स्नाइडर ने लगाया अपने कंधे पर रख लिया है पूरा को पूरा भार, और फिल्म को बना दिया है करके बाहर, यानी कि जो भी है कर दिया तैयार आपके लिए। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये फिल्म 2007 में बनना स्टार्ट हुई थी, यानी बन ही गई थी, यानी कि आपको बताऊँ इसे 13 साल हुए रिलीज होने में। वो भी क्यों हुए? क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स ऐसा बस्ता आ चुका है जो हर किसी सामान को उठा के रख लेता है। जी हाँ, कूड़ा कचरा सबको रख लेता है, क्योंकि हॉलीवुड की से लेकर बॉलीवुड की फिल्में नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएंगी, जिनके रिव्यू देना भी काफ़ी कठिन पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भाई नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को किया गया रिलीज़, और भाई 12-13 साल से पड़ी थी, तो उसके एक्टरों को लग रहा होगा कि हमारा फ्यूचर तो वहीं ख़त्म हो गया, इस फिल्म को के बाद हम तो मर मिट और सब हो गए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनकी ज़िंदगी खुल चुकी है और ज़िंदगी में एक सवेरा आ चुका है, क्योंकि फिल्म को कर दिया गया था रिलीज़, तो नेटफ्लिक्स वालों ने भी एक अच्छा काम तो कर ही दिया आखिरकार, इतनी पुरानी पड़ी हुई फिल्म को ले लिया। तो अब समझ सकते हो इतनी पुरानी फिल्म है तो इसकी स्टोरी भी क्या होगी, पुरानी ही होगी। जी हाँ, इसकी स्टोरी पाएंगे, ज़्यादा स्पॉइलर नहीं फैलाएंगे। देखो स्टोरी में क्या, डेव बैटिस्टा इसके मेन लीड एक्टर वही हैं। जी हाँ, वो अपनी टीम को लेकर निकल चुके हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे शहर जहाँ पर मतलब कि रानियों का राज है, और वो ऐसी ख़तरनाक रानी राजा रहते हैं वहाँ पर, जो इंसान को बिन बुलाए को पकड़ के चीर फाड़ के और उसके जो नूडल्स हैं ना उन्हें निकाल के खा जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, वो रहते हैं ज़ॉम्बी, लेकिन ज़ॉम्बी नहीं है ऐसे वैसे ज़ॉम्बी, मत समझिएगा ना, वो ज़ॉम्बी बहुत ख़तरनाक हो चुके हैं। वो सोचते हैं भाई, वो जानते हैं फाइटिंग, वो हर चीज़ जानते हैं, वो लेवल अपर लेवल के हैं भाई सब। मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें देखने के बाद कि ज़ॉम्बी ये नहीं, ज़ॉम्बी तो ये हैं। लेकिन फिल्म के अंदर इतना धमाकेदार बढ़िया इतना ख़तरनाक एक्शन दिया गया ना, धूंधाड़ और खून खराबा तो ऐसे फैलाया गया है जैसे मानो कि होली में उड़े रहे गुलाल, है ना, मतलब कि जो भी है वो ही कर दिया है। जी हाँ, एक्शन पर बहुत बेहतरीन काम किया है, इसके लिए तो तारीफ फिल्म की बनती है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो फिल्म का प्लॉट नया है कुछ नया है, तो आपने अगर ज़ॉम्बी फिल्म देखी है तो वही ये फिल्म है, बस उससे थोड़ा डिफरेंट। यही चीज़ें थी मैंने बताया आपको कि सोचने लगे हैं, जानने लगे हैं, हर चीज़ आपको पहचानने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के अंदर जो एक्शन है उसने तो कमाल मचा दिया, खून खराबा मचा दिया। पेरेंटल गाइडलाइन इस फिल्म के लिए एक ही देना चाहूँगा कि पूरे परिवार के साथ ना देखें, क्योंकि सारे तो बंदे घर में स्ट्रांग नहीं होंगे, एक ना एक तो जरूर होगा जिसका कच्चा दिल होगा, पक्का होने में टाइम लगेगा उसे, ठीक है, तो उसे ना दिखाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा खून खराबा होने वाला है इस फिल्म के अंदर। और साथ ही साथ आपको बताऊं, फिल्म ने अभी तो अच्छी खासी कमाई कर ली है, जी हाँ, और फिल्म के रिव्यू भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिल्म आपको इतना अच्छा इम्प्रेस नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद जानते हो 2008 में फिल्म साथ में मतलब बनी हुई, तो उसकी स्टोरी भी काफ़ी पुरानी होगी, लेकिन फिर भी आपको इम्प्रेस करती हुई नज़र आई है फिल्म। और ज़्यादा नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक तो वन टाइम वॉच मूवी, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही बेहतरीन, अच्छा, बढ़िया टाइम पास करने वाली है। जी हाँ, इससे अच्छी टाइम पास मूवी आपको नहीं मिलने वाली, बहुत ही बेहतरीन करेगी। ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ही आपके लिए ख़तरनाक फिल्म है, बकवास फिल्म है, जी नहीं, टाइम पास तुम्हारा बहुत ही बढ़िया करने वाली है। तो मैं मिलता हूँ आपको यहीं, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।